नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली टॉक पर। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित विकास दुबे केस में 6 महीने से फरार चल रहे इनामी बदमाश विपुल दुबे को पुलिस ने 6 महीने के बाद सजौती क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। वह घटना के बाद से ही फरार था और गिरफ्तारी कर IG ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। क्राइम ब्रांच STF की टीमें घाटमपुर पहुंच गई है, विपुल से पूछताछ कर रही है। 2 जुलाई 2020 की रात बिगरू गांव में कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर CEO देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। बाद में पुलिस ने विकास दुबे समेत 8 को मुठभेड़ में मार गिराया था। घटना के बाद से ही विपुल दुबे फरार था। पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही थी लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। देर रात सजेती पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे धर दबोचा। उसके पास से एक तमंचा और 2 कारतूस के साथ बरामद किया गया है। घटना के बाद से अब तक पुलिस ने 42 लोगों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल कर दी थी। विपुल पर घटना की साजिश और विकास दुबे के साथ अपराध में शामिल होने का आरोप है। CEO घाटमपुर रवि कुमार सिंह ने बताया कि बिकरू कांड के एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने विपुल को सचेती से गिरफ्तार करने का दावा किया। उसके पास तमंचा कारतूस के अलावा कोई बरामदी की बात सामने नहीं आई है। पूछताछ में पता चला कि उसने मोबाइल का इस्तेमाल ही बंद कर दिया था। मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर देने से सर्विलांस पर भी उसकी लोकेशन नहीं पकड़ में आ रही थी, इस नाते उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। गिरफ्तार किए गए विपुल से पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पता चला कि घटना के बाद उसने लगातार ठिकाने बदले, कभी इस रिश्तेदार के यहाँ तो कभी दूसरे के यहाँ। कई रातें रेलवे स्टेशन बस अड्डों पर गुजारी। बताया जा रहा है कि वह सजेती इलाके की किसी दुकान में रात बिताने के लिए छुपा था। इसी दौरान पुलिस ने धर दबोचा। मिली जानकारी के अनुसार दीपावली के दौरान विपुल गांव आया था और तब उसकी लोकेशन कानपुर देहात में मिली थी। STF के पहुंचने से पहले ही वह फरार हो गया था, तब से उसका पता नहीं लग रहा था। पिछले दिनों पुलिस ने विपुल के खिलाफ इनाम की राशि बढ़वाने की संस्तुति की थी, जिस पर IG रेंज मोहित अग्रवाल ने इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी। IG ने बताया कि आरोपित को पकड़ने के लिए 3 टीमें लगी थी। बीते साल 2 जुलाई की रात चौबेपुर के बिगरू गांव में दबिश देने आई पुलिस टीम पर दुर्दांत हिस्ट्री शीटर विकास दुबे व उसके साथियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। इसमें बिल्हौर के तत्कालीन CEO देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। वारदात के बाद पुलिस ने विकास समेत 6 आरोपितों को मुठभेड़ में मार गिराया था। 36 आरोपियों को जेल भेजा गया। विपुल दुबे ही एकमात्र आरोपी है जिसे पुलिस अब तक नहीं पकड़ सकी थी। DIG डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने आरोपित के खिलाफ 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, जिसको बढ़ाकर बाद में 50,000 कर दिया गया था।